कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को अपनी पार्टी में ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लिबरल पार्टी के सांसदों ने ट्रूडो को प्रधानमंत्री पद छोड़ने के लिए 28 अक्टूबर तक की मोहलत दी है। नाराज नेताओं ने ट्रूडो से कहा कि या तो वो पद छोड़ दें या फिर विद्रोह का सामना करने के लिए तैयार रहें। जानकारी के अनुसार ट्रूडो की पार्टी के 24 सांसदों ने पीएम को चुनाव से पहले हटाने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने एक मांग पत्र पर दस्तखत भी किए हैं। सांसदों द्वारा साइन किए गए इस मांग पत्र को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। इस पत्र में सांसदों ने ट्रूडो से अगले साल के आम चुनाव में हार के खतरे को देखते हुए चुनाव से पहले ही इस्तीफा देने की मांग की है। सांसदों ने ट्रूडो से कहा कि वो चौथी बार प्रधानमंत्री पद के दौड़ में शामिल ना हो। पिछले 100 वर्षों में किसी भी कैनेडाई नेता ने चौथी बार चुनाव नहीं जीता है। ट्रूडो के सामने ये चुनौती ऐसे समय में आई जब उनकी सरकार खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत के साथ एक बड़े राजनयिक तनाव में फंसी हुई है। पीएम ट्रूडो ने बुधवार को लिबरल पार्टी के 20 सांसदों से बंद कमरे में मुलाकात भी की। इस बैठक में लिबरल पार्टी से ब्रिटिश कोलंबिया के सांसद पैट्रिक व्हीलर ने अगले साल चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पीएम के इस्तीफे को जरूरी बताया।